फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और हिंदी में 100 में से 100 और इंग्लिश में 100 में से 99। ये रिजल्ट आपको हैरान कर देगा। कहानी तरुणा चौधरी की है और बाड़मेर से इसका सीधा कनेक्शन है। सरहदी बाड़मेर राजस्थान का एक ऐसा इलाका है जहां रोजमर्रा की चीजें भी पूरी तरीके से नहीं मिलती। हालांकि इसी बाड़मेर से हमें राजस्थान बोर्ड की तीसरी टॉपर मिली। सोमवार को राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ। 12वीं में बाड़मेर की बेटी तरुणा चौधरी 99.80% के साथ स्टेट की थर्ड टॉपर बनी। 4 सब्जेक्ट में 100 में से 100 और 1 में 99 मार्क्स स्कोर करने वाली तरुणा से लोकलिटी ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उम्मीद थी कि अच्छे मार्क्स आएंगे, मुझे ऐसा लगा था कि हिंदी में कर सकते हैं क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑपोजिट हो गया पूरा, मतलब इंग्लिश में कट गए और हिंदी में फुला गए। रूटीन तो मैं लेट नाइट नहीं पढ़ती थी, सुबह जल्दी उठती थी। मेरे पापा मुझे रोज 5 बजे उठा देते थे, फिर सुबह पढ़ती थी और फिर बीच में खाना वाना खा के थोड़ी देर सो के दोपहर को और फिर शाम को और पढ़ती थी। अभी मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी। तो वो कहाँ से करूँगी, क्या करूँगी, उसको लेके बुआ ने कुछ बताया? जी हाँ, अभी मेरे को CUET का मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है और एक दो मतलब एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं ताकि अच्छी जगह से ग्रेजुएशन हो और वहीं से साथ साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। जो ग्रेजुएशन का लक्ष्य दिल्ली ही है, ये तय है। हाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी? वो तो अब मैंने एग्जाम दिया है, मोस्टली नॉर्थ कैंपस मिल जाए तो अच्छी बात है। आजकल की जिंदगी में फोन हमारे लिए बेहद जरूरी है, पढ़ाई पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। तरुणा ने इसके बारे में क्या कहा, सुनिए। मोबाइल आज की डेट में बात करें तो वो यूजफुल या फिर हार्मफुल? दोनों है। अगर अपन उसको सही रूप से इस्तेमाल ना करें तो वो फिर हार्मफुल ही है, लेकिन अपन अपनी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट ना होने दे। जैसे कि अब कोई कॉन्सेप्ट समझना हो, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो, कोई चीज के लिए अपन को अब जैसे आगे जाके क्या करना, नॉलेज चाहिए, तो अपन यूज कर सकते हैं उसको। अच्छा यूज करने के लिए आप मोबाइल का यूज करें, लेकिन अच्छी चीज के लिए यूज करें और अपना जो टाइम है वो प्रीसियस टाइम को वेस्ट ना करें और अच्छी जगह पे यूटिलाइज करें। दिन में कम पढ़े, ऐसे नहीं कि 10-12 घंटे पढ़े, लेकिन 5-6 घंटे पढ़ के अच्छा पढ़े, मतलब क्वालिटी। 12वीं में धमाकेदार रिजल्ट के बाद तरुणा चौधरी ने बताया कि वो ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना चाहती हैं। तरुणा को ये मोटिवेशन अपनी बुआ चंद्रकला चौधरी से मिली। तरुणा ने 10वीं में 94% अंक हासिल किए थे और 12वीं में ये 99 पार पहुंच गया। बच्चे जो होते हैं ना, जब 10वीं 12वीं पढ़ाई होती है, उसको सपना होता है सरकारी नौकरी मिल जाती है। आपको UPSC क्रैक करने का मन में लेके कैसे? वो तो अब सर मेरा ड्रीम है, इसलिए। कैसे वो ड्रीम कैसे समझाया, किसने सपना दिखाया, किसने और ज्यादा मोटिवेट किया? सबसे मेरे पापा भी मेरे को मोटिवेट करते हैं, मेरी फैमिली पूरी मेरे को सपोर्ट करती है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी बुआ जी है, उन्होंने मेरे को इस चीज के लिए मोटिवेट किया। क्या नाम है, किस तरह का? उनका नाम है चंद्रकला चौधरी, वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है और वो मतलब जब मैं 8th-9th में थी तभी वो मेरे को बोलती थी कि आगे जाके सिविल सर्विसेज में पढ़ना कैसे होता है, सब कुछ मतलब बताती थी। सिविल सर्विसेज ही क्यों? क्योंकि मुझे एक तो पर्सनली उसमें इंटरेस्ट है, ऊपर से सब अपने यहाँ बाड़मेर की जो स्थिति उसको लेके आगे जाके मतलब उसकी पोजीशन और चेंज हो और फिर अच्छा काम करने के लिए। मन में कहीं ना कहीं ये भी है कि 70 साल में बेटी के नाम पे कोई कलेक्टर तो नहीं निकली है? नहीं। वो मलाल कितना होता है, उस चीज का दुख कितना होता है? बहुत होता है। लड़कियां अभी भी मतलब सब बोलते हैं कि लड़कियों को पूरा मौका दिया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत पिछड़ी हुई है, यहाँ नहीं दिया जाता है पूरा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को भी मौका दे, और जैसे मैं आज निकली हूँ तो मुझे देख के काफी लड़कियां पढ़ने के लिए आएगी। बाड़मेर की कोई भी महिला IAS ऑफिसर नहीं बनी। तरुणा ऐसा करने वाली पहली फीमेल बनना चाहती हैं। तरुणा के पिता विष्णु चौधरी पेशे से वकील और माता कमल चौधरी हैं। शानदार रिजल्ट जारी होने के बाद से सभी तरुणा को बधाई दे रहे हैं। बाड़मेर से लोकल 18 के लिए मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।